इस वक्त नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए हैं, ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के ही सिपहसालार थे, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण एक और आंकड़ा आपको बताते चले कि अगर मुख्यमंत्री अपनी सीट गंवाती हैं तो फिर सत्ता से भी वो बाहर हो सकती हैं, इस तरह की परिपाटी रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस अभी भी अपनी लीड लगातार बनाए हुए बीजेपी के ऊपर, हालांकि 3 सीटों की ये लीड है, लेकिन टीएमसी 81 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि नंदीग्राम सीट से इकलौती ये सीट जहां पर सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त चल रहा है, नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो जय श्री राम का नारा बार बार लगा रहे थे, वो फिलहाल आगे चलते हुए। और शाकिर अली साहब, जय श्री राम कहीं बना देगा बीजेपी के काम नंदीग्राम में, अभी तक आंकड़ा तो नहीं बता रहा है। चित्रा त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले रोहित भाई को मैं ईश्वर से रोहित भाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, और उसके बाद मैं अपनी वक्तव्य रखना चाहता हूं। देखिए, नंदीग्राम में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीत रही है। और दूसरी बात है कि 2016 का जब आप एग्जिट पोल देखेंगे, एग्जिट पोल नहीं, जिस तरह से ये जो रुझान आया था 2016 का, तो उसमें जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस का जो मोर्चा था वो लोग भी बैलेट में बढ़त बनाए थे। तो ये बैलेट काउंटिंग है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब ईवीएम मशीन आएगा तो नंदीग्राम में दीदी भी जीतेगी और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार के लिए सरकार बनाएगी, ये निश्चित है। ये पूरा हमारे बंगाल की जनता पर पूरी तरह से आस्था और भरोसा है कि हम लोग ही सरकार बनाएंगे, ये निश्चित है। देखिए, बीजेपी जो है पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो पाई थी, और 150 के करीब तृणमूल कांग्रेस से आए हुए भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया था, जिसका खमियाजा थोड़ी देर में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये जो ईवीएम मशीन जब खुलेगा तो आप देखिएगा कि वोटिंग का और ये जो रुझान आ रहा है उसका डिफरेंस तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी का काफी, तृणमूल कांग्रेस आगे की तरफ जाएगा और बीजेपी नीचे की तरफ आएगा। कब तक इंतजार करना चाहेंगे शाकिर अली साहब, कब तक इंतजार करना चाहेंगे जिसके बाद आप बोलेंगे कि यह फाइनल है? ज्यादा से ज्यादा एक से डेढ़ घंटा चित्रा मैडम, इसमें आपको समझ में आ जाएगा पक्का। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ, सुनीत चोपड़ा जी भी हमारे साथ लेफ्ट के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनीत जी, मतलब आप लोगों का क्या से क्या हो गया, 1 घंटे बीत चुके हैं, नहीं है, 00 पर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी, ऐसा हाल क्यों बना रखा है सर बंगाल में? इतिहास बना दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये कोविड की वोट है, जिन्होंने लोगों को मरवाया है उनके लिए नुकसान है। उसका वोट सिर्फ केरल में पड़ रहा है क्या सुनीत चोपड़ा जी? क्योंकि केरल में हमने कोविड की लड़ाई लड़ी है, हम जीते हैं। बंगाल तो आपकी प्रयोगशाला हुआ करता था लेफ्ट की, उसका बंगाल में आप समझ लो ये लड़ाई 2 पक्षों की हो गई है, और उसमें तृणमूल बीजेपी को